follow this channel and this video, the key video music can be subscribed as a case of bell icon dabaa dijiye. Aap recipe like on Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus aur follow kar sakte hain. Thank you, enjoy kijiye is recipe ko. हम सबको तो टमाटर सूप बहुत ही ज्यादा पसंद है, मगर घर पर रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ा लाल टमाटर का सूप बनाने के लिए चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पर हम लेंगे 6 बड़े लाल टमाटर, 1 बड़ा प्याज, 1 लाल गाजर बड़ी सी और 2 टेबलस्पून पार्सली। इससे हमारा टमाटर सूप रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी हो जाएगा। और 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारी चीजों को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, मतलब पीस लेंगे एक पेस्ट के रूप में इस तरह से। एक कढ़ाई या किसी भी बर्तन में हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। हम नया ऑलिव ऑयल डाला है, इसमें हम ये ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देंगे, साथ ही नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। चलिए अब हम अपनी इस प्यूरे को पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पर, मेजवी पे हिलाते हुए। और दूसरे साइड पर हम क्रोटन्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ ली है व्हाइट ब्रेड, आप चाहे तो कोई भी किस्म की ब्रेड ले सकते हैं। और इसके एजेस को हम लोग इस तरीके से काट लेंगे। इन एजेस को फेंकिएगा मत, आप इन्हें बेसन में डुबाकर इनके लंबे लंबे पकौड़े जैसे बना सकते हैं। अब किसी तवे पर आप 1 से 2 टीस्पून तेल या बटर फैला लीजिए और फिर उस पर ये अपने कटे हुए लंबे लंबे ब्रेड के टुकड़े डाल देंगे हम टोस्ट करने के लिए मीडियम आंच पर। फिर 2 से 3 मिनट बाद इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह टोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। क्रोटन्स क्रिस्पी हो गए हैं, इसका मतलब ये तैयार हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब हम अपने टमाटर को भी चेक कर लेंगे। 15 मिनट से हमने इन टमाटरों को पकने के लिए रखा हुआ है, ये अच्छी तरह पक चुके हैं। इनका कच्चापन खत्म हो गया है, ये अच्छी तरह सौते हो गए हैं और पानी भी सूख चुका है। चलिए इसमें 3 कप पानी हम डाल देते हैं और इसे कम से कम 1 मिनट तक उबलने देंगे मीडियम आंच पर। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब छान लेंगे। आपको इस टमाटो सूप की रिटर्न रेसिपी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। छानने के बाद ये जो पल्प इसका अलग हो जाएगा, इसे फेंकिएगा नहीं। आप चाहे तो इसे थोड़ा थोड़ा करके सब्जी में ऐड कर सकते हैं, आपकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। अब हम इस टमाटर के पानी को फिर से किसी कढ़ाई या बर्तन में डाल देंगे। अगर आपको पतला सूप पसंद है तो आप इसी कंसिस्टेंसी में इसको बस एक उबाल देकर क्रीम और काली मिर्च डालकर गरम गरम सर्व कीजिए। नहीं तो हम यहाँ पर इसे और 10 मिनट उबालेंगे और थोड़ा सा थिक करेंगे। कई लोग इसे थिक करने के लिए या तो कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं या तो फिर उबला हुआ आलू, मगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारा सूप ऐसे ही काफी थिक और गाढ़ा बनेगा। ये तो रही टमाटर सूप की बात। अगर आपको सीखनी है टमाटर की चटनी, जिसे आप प्यूरे की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो लिंक यहाँ ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये सूप करीब 10 मिनट से उबल रहा है लो हीट पर, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे बंद कर देंगे हम और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे। हमारा सूप अब तैयार है, इसे गरम गरम सर्व करेंगे। फिर से थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऊपर डाल देंगे और रखेंगे एक बासिल का लीफ यानी तुलसी का पत्ता। इसे बनाए हुए क्रोटन्स के साथ सर्व कीजिए। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी है, बल्कि उससे भी ज्यादा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय फ्रॉम यू, लाइक एंड लव यू ऑल।